नमस्कार, आप सभी को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार। और आप सभी को जैसा कि पता है कि हमारे चैनल के ऊपर लगातार आपको अपडेटेड जानकारियां जो है मिलती रहती हैं, और स्पोर्ट्स की या फिजिकल एजुकेशन की जो भी हो, उसी कड़ी में एक और अपडेटेड जानकारी हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से आ रही है, जिसने कुछ दिन पहले आपका जो है एचटेट का एग्ज़ाम लिया था, और 3 और 4 तारीख को वो एग्ज़ाम था। उसके बाद आपसे ऑब्जेक्शंस मांगे गए थे, तो उसके बाद बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे थे कि रिजल्ट कब आएगा। तो एक प्रकार से रिजल्ट जो है बोर्ड ने जारी कर दिया, और जो कैंडिडेट एचटेट पास हैं, जो भी कैंडिडेट एचटेट पास हैं, उनकी लिस्ट जो है बोर्ड ने आज साइट के ऊपर डाल दी है। वो लिस्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होने वाली है, आप अपनी लिस्ट कैसे चेक कर सकते हैं, लिस्ट आपको कहाँ मिलेगी, उसकी सारी जानकारी मैं आपको एक एक करके देने वाला हूँ। उससे पहले भाई, चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अपडेट आपकी मिस नहीं होती है। तो वीडियो को डिटेल में शुरू करते हैं भाई। हरियाणा बोर्ड की तरफ से जो 3 और 4 तारीख को हमारा स्टेट एग्जाम हुआ था, ये नोटिफिकेशन स्टेट ने बोर्ड ने आज डाला है कि आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होनी है जो कैंडिडेट स्टेट पास हुए हैं, और वो 810 पेजेस की एक लिस्ट आई है बोर्ड की तरफ से कुछ इस प्रकार की, जिसमें जो है क्लियरली जो है रोल नंबर जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज बताए गए हैं, और ये भी बताया गया है कि कौन से रोल नंबर की वेरिफिकेशन कहाँ पे होनी है, जिससे आप जो है अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी वेरिफिकेशन कहाँ पे होनी है, उसके हिसाब से आप प्रेजेंट हो सकते हैं भाई। ये पूरी लिस्ट है, इसमें 810 पेजेज है भाई, आप देखोगे 810 पेजेस हैं। टोटल 37,227 कैंडिडेट का यहाँ पे एचटेट पास हुआ है, और रोल नंबर वाइज पूरी सीक्वेंस ये दे रखी है डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि निकट भविष्य में दिनांक 3 और 4 दिसंबर को आयोजित हरियाणा अध्यापक पात्रता दिवस 2022 का परिणाम शीघ्र घोषित किया जा रहा है। वैसे परिणाम आ चुका है आपका रोल नंबर लिस्ट में, तो आप एचटेट पास हैं। परिणाम घोषित होने से पूर्व अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पूरी होना अनिवार्य है। परीक्षार्थियों की सुविधा को देखते हुए 16 से और 17 दिसंबर को प्रातः 9 से 5 बजे तक राज्य के सभी 22 जिलों में जिलावार वेरिफिकेशन केंद्र स्थापित किए गए हैं। अन्य राज्यों से संबंधित परीक्षार्थी अपने साथ लगते जिलों में प्रातः 9 बजे से साय 5 बजे तक पहुंचकर अपनी वेरिफिकेशन पूर्ण करा सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में परीक्षार्थी 22 जिलों में स्थापित केंद्रों में से किसी भी केंद्र पर प्रातः 9 से 5 बजे तक आप उपस्थित होकर अपनी वेरिफिकेशन करा सकते हो। आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है और फोटो युक्त पहचान पत्र आपको लेके जाना है भाई, ठीक है। और वो जो जिलेवार जो केंद्र स्थापित किए हैं उनकी लिस्ट पूरी नीचे दी गई है, ये वो आपकी लिस्ट है। अंबाला में कहाँ है, भिवानी में कहाँ है, ये वो लिस्ट है भाई। यहाँ पे आपको जाके वेरीफाई करवा लेना। आप किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपके नजदीक जो भी जिला लगता है वहां पे जो भी इन्होंने केंद्र बनाए हैं वहां पे आप जा सकते हैं भाई 16-17 दिसंबर को, और 20 दिसंबर तक रिजल्ट आने की पूरी संभावना है, जैसे ही वेरिफिकेशन का काम पूरा होगा। और ये लिस्ट जो है पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, या और कहीं से भी आपको मिल गई होगी। और ये लेवल भी बताए गए हैं, किस लेवल के कितने कैंडिडेट जो है पास हुए, आप देख सकते हो लेवल 3, ये ऐसे करके जो है बताए गए हैं भाई। पूरी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। इस प्रकार से आप ये भी अंदाजा लगा सकते हो कि लेवल 3 के इस बार कितने कैंडिडेट पास हुए हैं, देख सकते हो लेवल 1 के, लेवल 2 के, इस प्रकार से पूरा डाटा जो है दिया गया है। और ये लेवल के हिसाब से ही दिया गया है डाटा कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितना किस लेवल पे जो है कैंडिडेट पास हुए हैं। आप देख सकते हो पूरा डाटा यहाँ पे। ये पीडीएफ को जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, सोनीपत की ये लिस्ट है, और यहाँ पे सोनीपत के कैंडिडेट जो है आपको नजर आएंगे भाई, ठीक है। तो ये आपकी पूरी जो है लिस्ट है जिसमें बताया गया है कि कहाँ पे किस प्रकार से कैंडिडेट पास हुए हैं। अंबाला की लिस्ट देखोगे आप, अंबाला की लिस्ट में आप लेवल 1 पे देखोगे कितने 46 कैंडिडेट पास हुए हैं। यहाँ पे अंबाला अंबाला चला हुआ है, अंबाला यहाँ तक 73 कैंडिडेट यहाँ पे पास हुए। इसके बाद भिवानी का नंबर आता है लेवल 1 का, और इस प्रकार से जो है ना आप ओवरऑल देखोगे तो लेवल के हिसाब से लिस्ट दी गई। तो आप अपने लेवल के हिसाब से चेक कर सकते हो कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने कैंडिडेट पास हुए हैं। और अभी के लिए स्टूडियो में इतना ही, यही अपडेट थी। आप अपना रोल नंबर चेक कर लें, इस लिस्ट को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और सोर्स से आपके पास पहुंचेगी तो वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। भिवानी में देखोगे कितने सारे कैंडिडेट का लेवल 1 एग्जाम पास हुआ है। फिर आप चरखी दादरी की लिस्ट देखोगे, चरखी दादरी की लिस्ट देखोगे, फिर इसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट वाइज फिर लेवल 2 की आएगी,
आप नीचे जाओगे तो फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज लेवल टू की आ जाएगी, जैसे झज्जर की आ गई लेवल टू की। इसी प्रकार थोड़ा सा नीचे जाओगे तो फिर जो है अदर स्टेट लेवल टू, अदर, फिर जो है आपका लेवल थ्री यहाँ पे आ जाएगा भाई। लेवल थ्री के कितने कैंडिडेट पास हुए वो आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। ये लेवल टू है, लेवल टू में इस बार बहुत ज्यादा भीड़ है भाई, देख सकते हो आप लेवल टू के कितने ज्यादा हैं। उसके बाद लास्ट में आप जाओगे तो वहां पे लेवल तीन का डाटा जो है आपको मिल जाएगा। जब आप थोड़ा सा नीचे और जाओगे तो वहां पे लेवल तीन का डाटा आपको मिल जाएगा। ये लेवल 30,000 के लगभग कैंडिडेट हो गए, यहाँ पे लेवल टू ही चला हुआ। तो लेवल टू में इस बार बहुत ही अच्छे परिणाम आए हैं। तो इस बार जो है कैंडिडेट बहुत सारे पास होने की संभावना है और वैकेंसीज भी आई हुई है, तो वहां पे फाइट होने की संभावना भी जो है उस हिसाब से बनी हुई है भाई। और लेवल तीन का डाटा हम देखें कि कितने कैंडिडेट पास हुए, गुरुग्राम यहाँ पे है और गुरुग्राम से हम लास्ट तक जाएंगे, फिर उस हिसाब से देखेंगे एफ आ गई है। तो ये लेवल के हिसाब से लिस्ट भी दी गई है अभी। तो आप अपना 2 दिन में जरूर वेरिफिकेशन करवा लें, जिससे जो है 20 अगस्त तक बोर्ड के लिए जो है, और ना भी करवा पाते हैं तो बोर्ड आपको फिर भी चांस देगा, एक लिस्ट और जो है बोर्ड निकाल के लेके आएगा भाई, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपको मौका नहीं मिला तो आप करवा सकते हैं। लगभग 8,000 के लगभग जो है जो लेवल तीन उस पर भी कैंडिडेट इस बार पास हुए। अभी तो अभी के लिए स्टूडियो में इतना ही, वीडियो का अपने लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।